नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो 360 में। आज हम आपको बताएंगे इन टूथपेस्ट के बारे में। ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं जिनके अंदर जो डेली यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं किसी बीमारी के दौरान। ये यूज़ किए जाते हैं सेंसिटिविटी के दौरान। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये इनके बारे में बताने के बाद हम आपको इस टूथब्रश के बारे में बताएंगे क्या इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अभी हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने पांच टूथपेस्ट रखी हैं। ये पांचों टूथपेस्ट सेंसिटिव टीथ के लिए यूज़ की जाती है। सेंसिटिव टीथ हमारे क्या होते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ ठंडी या गर्म खाते हैं, जैसे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या कुछ एकदम से ठंडा पानी पी लिया, तो हमारे दांतों में झंझनाहट होती है और हमें एक बहुत ही भयानक दर्द महसूस होता है। तो ये उस चीज़ में इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए। इनके सेंसिटिविटी जो पेस्ट होती है उनके अंदर तीन जो है ड्रग हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं सबसे ज़्यादा। पहला है स्ट्रोनियम क्लोराइड, दूसरी पोटेशियम नाइट्रेट और तीसरा है स्टेनिस क्लोराइड। तो अभी एक एक करके आपको इन पाँचों में बताएंगे कि किसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट हैं। तो सबसे पहले सेंसोफोम। सेंसोफोम के अंदर है स्ट्रोनियम क्लोराइड 10% वेट बाय वेट। तो ये एक टूथ क्रीम है, ये टूथपेस्ट नहीं, टूथ क्रीम है। तो इसका हो गया दोस्तों। तो उसके बाद बताते हैं आपको सेंसोडाइन। तो सेंसोडाइन के अंदर बहुत सारे हैं, ये आप पीछे यहाँ देख सकते हैं। ये सेंसोडाइन फ्रेश जेल है, इसके अंदर है एक्वा मीन्स वाटर, हाइड्रेटेड सिलिका, सोर्बिटोल, ग्लिसरीन, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम लोरियल सल्फेट, अरोमा, जेंसिन गम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सैचरीन और कोका मिनोट्रोपाइल, बीटेन, सोडियम क्लोराइड। और ये इसके अंदर आगे कलर वगैरह के जो इंग्रीडियंट डाले हुए हैं उनके कोड दे रखे हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं दोस्तों। तब आपको बताते हैं सेंसोडाइन के अंदर। सेंसोडाइन के अंदर है पोटेशियम नाइट्रेट 5% वेट बाय वेट। ये भी एक क्रीम है, जिस तरह सेंसोफॉर्म है उसी तरह सेंसोडाइन के है। ये जो सेंसोडाइन था ये हमारा जेल था। तो भाई अब बारी आ गई है आर ए थर्मोसेल की। आर ए थर्मोसेल के अंदर हमारा क्या क्या इंग्रीडियंट है वो बताते हैं आपको। आर ए थर्मोसेल के अंदर हमारे एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। तो ये दो एलिमेंट है वो हमारे एक्टिव हैं। बाकी इसके अंदर जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उसी तरह जो बेस के में यूज़ किए जाते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे सोर्बिटोल, ग्लिसरीन, हाइड्रेटेड सिलिका, पॉलीथाइलीन ग्लिकोल, सोडियम लोरियल सल्फेट, या फ्लेवर हो गया, सेलुलोज गम हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम सैचरीन, सोडियम बेंजोएट एंड प्योरीफाइड वाटर। तो ये जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जो मैंने बताए वो तो लगभग सभी के अंदर होते हैं, क्योंकि वही इसका बेस, इसका प्रोटेक्टिव एक्शन, इसका जो एस्ट्रिंजेंट एक्शन, फ्लेवर जो भी दिखाएंगे वो यही दिखाएंगे। अब आपको दिखाते हैं इमोफोम का। तो इमोफोम आर के अंदर ये जो इंग्रेडिएंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर ये तीन एलिमेंट हैं, ये की इंग्रेडिएंट मतलब एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं ये वो हैं। तो ये सभी पेस्ट हैं जो ये सेंसिटिविटी टूथ में इस्तेमाल की जाती हैं झंझनाहट को ख़त्म करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं इस टूथ ब्रश के बारे में, इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है। ये है ओरल बी का क्रिस क्रॉस। ये दोस्तों 90 रुपये का टूथ ब्रश है। इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि ये जब भी खराब होने का जब टाइम आता है चेंज करने के लिए, तो इसके जो ब्रिशल दिए हुए हैं आगे, तो देखिए इसमें यहाँ दिखा रखा है, ये ब्रिसल्स का कलर चेंज होता है। अभी इसके अंदर ग्रीन ब्रिसल्स हैं, जब इसका चेंज होने का टाइम आ जाएगा तो ब्रिसल्स धीरे धीरे ग्रीन से येलो में चेंज हो जाएंगे। जब ये पूरी तरह येलो हो जाएंगे तो आपको जो इस टूथब्रश को जो है वो चेंज कर लेना है। तो ये एज ए इंडिकेटर काम करते हैं कि हाँ आपकी टूथब्रश की जो लाइफ टाइम है वो पूरा हो गया, अब आपको चेंज कर लेना चाहिए। तो ये टूथब्रश है, बाकी इसको मैं यूज़ करूँगा और इसका आपको रिव्यू दूँगा। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कौन से ब्रिसल्स हैं इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जो ये ग्रीन से जो साइड में जो ये दिख रहे हैं आपको, ये हैं इसके जिनका कलर चेंज होगा। ये तीन पेयर इस तरफ दे रखे हैं, तीन पेयर इस तरफ दे रखे हैं, इन ब्रिसल्स का कलर चेंज होगा। तो मैं इसको यूज़ करके आपको रिव्यू दूंगा इसका दोबारा। बाकी आप अगर किसी भी और दवाई या किसी भी कॉस्मेटिक आइटम या जो भी चीज़
जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें, हम आपको उसके बारे में बताएंगे।